सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। तो मेरे सामने बैठे हैं वन ऑफ द एसबीआई पीयू सिलेक्टेड बैच ऑफ 2019 निशांत जी। इनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, और बट ये इन्होंने ज्वाइन भी किया था एसबीआई पीयू, बट उसके बाद इनका सिलेक्शन ईपीएफओ में हो गया एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इन्होंने फिर वो जॉब छोड़ दी और फाइनली इन्होंने ईपीएफओ ज्वाइन कर लिया। तो आज हम इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानने वाले हैं कि इनका जो पर्सनल इंटरव्यू और जीडी जो हुआ था वो किस तरह का हुआ था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस तरह वेरीफाई किए गए थे। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एसबीआई पीयू का जो है मेंस का रिजल्ट है वो आ चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरह से रियल एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को आइडिया नहीं होता है। तो उसके लिए वीडियो बहुत जरूरी है आप सबके लिए। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखेंगे दोस्तों, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपको क्या करना है और उस दिन आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो किस तरह आप स्ट्रेटाइज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं निशांत जी के साथ। तो निशांत जी बताइए अपने बारे। हालांकि मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी राइट आफ्टर माय मेंस एग्जामिनेशन। और जहां तक बात है इंटरव्यू डे के बारे में, तो इंटरव्यू डे के दिन मैं थोड़ा सा और नर्वस हो गया था क्योंकि आफ्टर ऑल इट वाज द फाइनल डे, द डी डे। और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए एनएचओ पहुंचा तो वहां मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और जो मेरा सेंटर था वो था एनएचओ पटना, जहां पर मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले से आए हुए थे। सभी लोग अपने अपने प्रिपरेशन में थे तो उनको देखकर थोड़ी सी नर्वसनेस और ज़्यादा हो जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने ऊपर काम रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है रिजल्ट में, खास करके एसबीआई पीयू जैसा इंटरव्यू जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आते हैं वो काफ़ी मेहनत करके आते हैं और उनके एसबीआई पीयू मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंटरव्यू पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है और आपका प्रिपरेशन इंटरव्यू में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब निशांत जी बताएंगे कि डीवी के दिन उनका क्या क्या प्रोसीजर हुआ था, क्या एक्सपीरियंस था वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है वो एक बैच बना दिया गया, तीन बैचेस थे ऑलमोस्ट, जिसमें एक बैच में करीब करीब 10 से 12 कैंडिडेट्स थे। और जो पहला बैच मेरा जो था वो सेकंड बैच में था। पहला बैच जो था वो सुबह को गया था, हमारा बैच जो था वो सेकेंड हाफ में गया था राइट आफ्टर आई थिंक 11 o'clock। और जो हमें जो बैच में ले जाया गया उसके बाद हमारा सबसे पहले जो हुआ वो हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको लाइटली लेकर चलते हैं, तो इसलिए मैं ये आग्रह करूँगा आप लोगों से कि आप लोग अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही एक अरेंज वे में रखें सो दैट एट द टाइम ऑफ द डीवी इट शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। और डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास सारे रखने हैं, साथ ही साथ कुछ अटेस्टेड कॉपीज भी रखनी होती है डॉक्यूमेंट। तो आपने देख ही लिया कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह इनका ग्रुप डिस्कशन, आपको पता ही है एसबीआई पीयू में जो होता है ग्रुप डिस्कशन होता है उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो भले ही इस बार जो है ग्रुप डिस्कशन को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, बट ऐसा नहीं है, आगे आने वाले सालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है कैंडिडेट्स के लिए। तो मैं जीडी के बारे में भी थोड़ा मतलब बहुत ही कम शब्दों में जल्दी इनको बोलूंगा बता दें। तो निशांत जी बताइए जीडी में क्या हुआ था, कितने लोग बैठे हुए थे और क्या टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था आपका। जीडी में हम लोगों को 10 लोगों को ले जाया गया था एक रूम में जहाँ पर 2 इंटरव्यूअर्स पहले से मौजूद थे, वो काफ़ी सीनियर्स थे। और जो जीडी का जो हमारा टॉपिक था वो था इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, जिसके ऊपर हम लोगों को आपस में डिस्कशन करना था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि कभी भी डिस्कशन आप एक आर्गुमेंटेटिव वे में ना ले जाएं, इससे पूरे के पूरे ग्रुप पर इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं आप सभी के नंबर्स कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आप जो जीडी करते हैं वहाँ पे आपको अपना बहुत काम एंड कंपोज रहना है, वहाँ पे आपको अग्रेसिव नहीं होना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सबको अपना जो पॉइंट रखने का मौका मिलता है तो आप भी अपना पॉइंट उसी तरह से रखेंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे इंटरव्यू के लिए जीडी के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। तो जीडी के बाद निशांत जी क्या हुआ था आपके साथ। जीडी के बाद हमारा ग्रुप एक्सरसाइज इन द सेम रूम हुआ था, जिसमें हम लोग के जीडी के बाद सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक दी गई थी, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज हुआ था। बेसिकली ग्रुप एक्सरसाइज जो हुई थी उसका टॉपिक था कि कोई इंसान अगर कोई कार खरीदने जा रहा है तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कार खरीदने से पहले। कुछ 10 पैरामीटर्स थे और आप इंडिविजुअली सभी को उन पैरामीटर्स को अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस सेलेक्ट करना था कि आप कौन से पैरामीटर्स को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन होता है। तो देखिए ग्रुप एक्सरसाइज कुछ इस तरह का हुआ था, काफ़ी अच्छा इनका ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था और जीई भी हुआ था, इसके बाद ये काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपने पर्सनल इंटरव्यू को लेके।
ठीक है दोस्तों, तो अभी ये बताएंगे कि पर्सनल इंटरव्यू जब गए थे जिस इनको रूम में ले जाया गया, उस रूम में कितने लोग बैठे हुए थे और कितने मिनट के निकले इनका इंटरव्यू हुआ था। और काफ़ी टाइम इनका इनका मैंने इनसे इनसे बात की, इन्होंने बताया कि काफ़ी लेट हो चुका था, शाम हो चुका था, इसलिए इनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी बताइए पर्सनल इंटरव्यू में क्या सीन था आपका। तो पर्सनल इंटरव्यू में दोस्तों जहाँ तक बात है, टोटल 5 पैनलिस्ट थे जिसमें से एक फीमेल और बाकी रेस्ट मेल मेंबर्स थे। जाते के साथ पहले उनको ग्रीट किया गया, उसके बाद उन्होंने पूछा अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड बैकग्राउंड से पूछना सवाल पूछना शुरू किया। इसलिए सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर ज़रूर देख के जाएं। अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरी तरह ग्रेजुएशन किया है तो कॉमर्स के कुछ बेसिक्स आपको पते होने बहुत ज़रूरी हैं। सो गाइज, वन टिप फॉर यू कि आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेट सपोज आप कॉमर्स से हैं या फिर बीटेक से हैं या फिर फिजिक्स से, या आपका कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट है, तो उस बारे में बेसिक्स को एटलीस्ट क्लियर करके जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपसे पूरा 4 साल या 3 साल का सब कुछ पूछेंगे, बट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप जो भी बोलते हैं उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं उनको और उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो भले ही SBI PO के मेंबर्स होते हैं बट वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और उनको सब चीज़ों का ओवर नॉलेज होता है, तो उनको आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी बातों से। तो निशांत जी, आप आगे बताइए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे। उसके बाद मुझसे जनरली बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे CRR, SLR, जो करेंटली बैंकिंग में जो फ्रॉड्स वगैरह हुए थे उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए। जनरल बैंकिंग क्वेश्चंस थे जो कि आप आसानी से प्रिपरेशन करके बता सकते हैं। निशांत जी, आपको कुछ क्वेश्चन याद हैं तो आप प्लीज़ शेयर करें उन क्वेश्चन को। जहाँ तक मुझे याद आती है जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ तक मुझे याद आता है बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे मुझसे। जैसे एक क्वेश्चन था कि SBI के बैलेंस शीट अगर आपने देखी है तो उसके बारे में बताएं, डिटेल रिव्यू उन्होंने मांगा था। साथ ही साथ उस समय एक हॉट टॉपिक था जो कि था वो बैंकिंग ऑफ मर्जर्स ऑफ बैंकिंग, जिसके बारे में मुझसे काफ़ी सवाल पूछे गए थे कि क्या ये गुड है या बैड है, कौन कौन से बैंक किसने मर्ज हुए हैं, टोटल पहले कितने बैंक थे, अभी कितने बैंक हो जाएंगे आफ्टर मर्जर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हॉट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, क्योंकि करेंट टॉपिक्स हमेशा पढ़ के जाने चाहिए। तो फ्रेंड, वन टिप फॉर यू कि आपको अपने करंट टॉपिक्स को बहुत ही, जो लास्ट 1 ईयर के एटलीस्ट करंट अफेयर्स रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको आप पढ़ के जाएं। ऐसा नहीं कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सारा न्यूज़ पढ़ के जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उनके पास इतना टाइम नहीं कि आपसे वो इतना सब डिटेल में पूछेंगे। आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही कवर करके जाने हैं। ठीक है, जैसे कि इस साल के लिए आपको पता है कोरोना वायरस के ऊपर काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आ चुके हैं, तो उस बारे में पढ़ के जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके इंटरव्यू के लिए। बिकॉज अभी क्या, RRB PO का, IPS PO और SBI PO, तीनों का इंटरव्यू होने वाला है बैक टू बैक, तो कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो कॉमन कैंडिडेट्स होंगे, तो आप कोई भी अपना अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते हैं। तो निशांत जी, आप और कुछ बताइए, और भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? उसके बाद मुझसे आखिरी में जो पूछा गया वो था मेरे हॉबी से रिलेटेड। जनरली मैंने हॉबी में क्रिकेट मेंशन कर रखा था, तो उस समय चूंकि IPL कंक्लूड हुई थी, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मुझे बस पूछा गया कि कौन सी टीम जीती है IPL ट्रॉफी और कौन से मैन ऑफ द मैच रहे थे उस पर्टिकुलर फाइनल मैच के दरमियान। बस इसके बाद मेरा जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो गया था। तो निशांत जी शायद कुछ एक दो क्वेश्चन भूल रहे हैं जो उन्होंने बताया नहीं है। तो इनका एक क्वेश्चन था कि फ्रॉड एंड ओवर पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि लोन एंड मॉर्गेज में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने मुझसे बात की थी उस वक्त, भले मेरा SBI PO में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट लेटर आई वॉज सिलेक्टेड इन IPS PO और RRB PO में भी सिलेक्ट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो निशांत जी, बताइए कि आपने आपका इंटरव्यू जो गया था उसमें आपको कितने, आपको कुछ याद है कितने मार्क्स आपको आए थे? जहाँ तक बात है GDG के स्कोर के बारे में, तो ये कंबाइंड स्कोर होता है जिसमें मुझे 14 नंबर आए थे और मेरा आउट ऑफ 20। ओके, और मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था वो काफ़ी अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे 25 नंबर आए थे आउट ऑफ 30। तो दोस्तों, देख लिया आपने कि निशांत जी ने बताया है कि कितने अच्छे उनके मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। तो निशांत जी, आप कुछ 2-3 टिप्स दे दें कैंडिडेट को जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, बता दीजिए आप प्लीज़। सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो तो होती है कि कामनेस। जैसा मैंने बताया कि मैं भी काफ़ी नर्वस था, और ये आम बात है नर्वस अगर आप होते भी हैं, बट नर्वसनेस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, आपको बिल्कुल काम रहना चाहिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसके लिए कि वो किस तरह से काम रहते थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की थी। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो नर्वसनेस भी कम होगी।
ये इंटरलिंक्ड है दोनों। साथ ही साथ आपको अपने अटायर का भी ध्यान रखना है कि सही अटायर और सही बॉडी पोस्चर के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस वगैरह इस चैनल पर उपलब्ध हैं आप सभी के मदद करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको जैसे पता है कि मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं इंटरव्यू रिलेटेड डाले हुए हैं, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड हो गया या फिर पर्सनल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं RRB PO में या UPS PO में या SBI PO में, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने अपलोड किया है। उन वीडियोज़ को जाकर जरूर देखें आप, ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं आपके लिए ही ला रहा हूँ। तो निशांत जी, आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा, अपने कैंडिडेट्स के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी सिलेक्ट होंगे और वो अपना रिजल्ट बताएंगे हमें, हमसे हमारे साथ शेयर करेंगे। तो निशांत जी, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।